आई एम रिजवान फ्रॉम बिल्समार्क। आज मेरे पास दो टॉपिक हैं आपके लिए। सबसे पहला टॉपिक उस पर बात करेंगे जो है प्रॉपर्टी का। सेकंड है कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दो सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, जिनमें पाकिस्तान में इस टाइम टॉप क्लास प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं। नंबर वन, किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, किस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे जो टॉप क्लास जा रही है वो इस टाइम जा रहा है DHA लाहौर, DHA मुल्तान, DHA कोयटा, DHA बहावलपुर। इनकी डिटेल मुकम्मल इन पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं और मुकम्मल वीडियोस इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर हो जाएंगी। दूसरी सोसाइटी का मैं आपको बताऊँगा, दूसरी सोसाइटी है लाहौर स्मार्ट सिटी। LSE में काफ़ी इस टाइम नाम बना लिया है उसने। हबीब रफीक इसका ओनर है सोसाइटी का। उसने मोटरवे उसने डेवलप की है, लाहौर में DHA उसने डेवलप किया है। अब दो सोसाइटीज़ हैं जिनमें इस टाइम काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। दो सोसाइटीज़, एक है LSE और दूसरी है DHA। DHA के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि कोयटा में काम है, भालपुर में काम है और इस टाइम मुल्तान में काम है। मुल्तान की आप मार्केट की हाइप जोन सी है, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया उसके अंदर एंटर हो चुका है। अगली जोन सी हमारी मार्केट है वो है DHA बहावलपुर की। DHA बहावलपुर में इस टाइम इन्वेस्टमेंट की जिसने कर ली वो समझें कि आपका फ़ैन होकर रह जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बड़ी जो इस टाइम जा रही है वहाँ पे जी सेक्टर DHA का सबसे बेहतरीन सेक्टर जा रहा है DHA बहावलपुर का। और आपको सेकंड बात मैं बताने वाला था कि आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आपने देखना है आपका बजट कितना है। आपका अगर बजट लो है तो आपको मैं बताऊंगा लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरले का आज आप प्लॉट लेते हैं वो कल को DHA के बराबर में होगा। DHA इससे भी ऊपर ये बनने जा रही है। लाहौर की ये सेकेंड स्मार्ट सिटी होगी जिसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। नंबर तीन पे प्रॉपर्टी लवर्स के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमसे पूछता है हमें बेनिफिट कब हो जाएगा। अब छोटा जो था बच्चा है हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप मुझे कमा के दें। जब तक वो उसे हम मचोर नहीं करेंगे तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। और मज़े की बात यह है प्रॉपर्टी लवर्स को ये चीज़ ज़्यादा बेहतर पता है, इन्वेस्टर को भी ये चीज़ ज़्यादा पता है। जब तक हम इन्वेस्ट करके उसको चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलाएंगे वो तब तक उसमें इतना अच्छा ग्रोथ और उसमें इतना अच्छा बेनिफिट नहीं आएगा। नंबर चार पे मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम आपकी होल्डिंग पावर 1 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग पावर 1 साल तक आप लेके चले जाते हैं आपकी गारंटी इस चीज़ की मैं देता हूँ। आपने यहाँ से प्रॉपर्टी लिया है 1 महीने बाद आप पूछते हैं कि इसका रेट क्या हो गया है और उसमें बेनिफिट की बजाय आप 1 साल एक चीज़ को होल्ड कर लें, मैं कहता हूँ उस चीज़ में कम से कम आप अगर आपने 40 लाख की चीज़ ली है वो आपके 70 लाख या 80 लाख में लाजमी जाएगी। इस टाइम जो सूरत हाल जा रही है बहावलपुर में जिसने 1 साल उसे होल्ड कर लिया मैं कहता हूँ वो जो थी 50 लाख की फाइल है वो 1 करोड़ को टच करनी है। नंबर पाँच पे बड़ी अच्छी चीज़ है LSE का कमर्शियल। LSE में कमर्शियल आ रहा है। जो प्रॉपर्टी लवर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ का पता है कि कमर्शियल में क्या बेनिफिट होता है। कमर्शियल लगा लें कि पूरी प्रॉपर्टी की एक जान होती है और प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि सोसाइटी में कमर्शियल आ रहा है भाई। कमर्शियल में सबसे बड़ा घुसता है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के लिए बेस्ट टाइम है कि रेडी हो जाएं। LSE का कमर्शियल आ रहा है उसमें अच्छा खासा ओन जाना है, 20 से 25 लाख रुपया ओन हमें जो नज़र आ रहा है उस टाइम ना, हो सकता है इससे भी अप प्राइस जाए कमर्शियल की। तो LSE के कमर्शियल आ रहे हैं सबसे बड़ी ये गुड न्यूज़ है और रेडी हो जाएं। हाँ जाते जाते एक और बात बता दूँ, जिस डीलर से आपकी डील हो कम से कम वो देख लेगा जिस डीलर से आप डील कर रहे हैं वो आपको क्या चीज़ गाइड कर रहा है। जो चीज़ें मैंने आपको दो गाइड की है ना पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का इस टाइम इन्वेस्टर के लिए सबसे बेहतरीन काम है। किसी चीज़ में इस टाइम काम नहीं है, चाहे आप कपड़े का काम कर लें, चाहे गारमेंट्स का काम कर लें, चाहे आप जूतों का काम कर लें, चाहे किसी चीज़ का भी काम कर लें, इस टाइम जो काम है ना वो प्रॉपर्टी का काम है। सिर्फ इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो DHA लाहौर में हो रहा है काम, DHA कोयटा में हो रहा है, DHA मुल्तान में हो रहा है, DHA बहावलपुर में हो रहा है और लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो सेकेंड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपनी रकम को सेफ एंड सिक्योर तरीके से यूज़ करें। और मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या मुझसे आके मिलें। बिल्समार्क रियलिटी में DHA फेज 6 में हमारा हेड ऑफिस है,
और DHA में हम ऑल DHA में काम कर रहे हैं, चाहे DHA की आपको फाइल्स चाहिए, चाहे प्लॉट्स चाहिए, चाहे LSE में फाइल्स चाहिए, चाहे LSE में कमर्शियल चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। कमर्शियल आपके लिए होल्ड करके रखे हुए हमने, तो आ जाएं।